वालेकुम कैंडी <coughs> जरा कंफर्म करते हैं आप सबको वो इशारी स्ट्रीम स्टार्ट करता हूं फिर कैसे हैं आप सब खेरियत से वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम भाई रिकॉर्डिंग सबर तो करो ना शहजादे भी तो स्ट्रीम एंड भी नहीं हुए की तरफ रिकॉर्डिंग किस तरह बनाऊं हुआ <laughs> स्ट्रीम खत्म हो जाए तो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड कर देंगे ना हाँ मैं भी तो रिकॉर्डिंग किस तरह मैं आपको दू टाइम मशीन में तो नहीं जा सकता ख्याल करेगा आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी स्ट्रीम स्टार्ट करते हैं। काफी से बाद आपके साथ मार्केट ब्रेकडाउन होगा बिटकॉइन के ऊपर ही बात करेंगे मेजोरिटी और को डिस्कस नहीं करेंगे स्ट्रीम में बिल्कुल भी Uh, मैं आपको बिटकॉइन के मोस्ट प्रोबेबल सीन बताऊंगा अपने इसके ऊपर फोकस करना है बिटकॉइन जिस डायरेक्शन में जाएगा आर्ट्स ने उसी डायरेक्शन में जाना है। सिंपल इज दैट बीटीसी रिट्रेस होता है आर्ट्स उसे डबल रिट्रेस होंगे बीटीसी पंप होता या तो आर्ट्स पंप होंगे या लैग करेंगे ये चीज है तो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ

सबके पास है। ठीक है, थीक है।, थीक है। करते हैं। एक तो आप ये गलती ना समझे कि ये मेरे कोई एक्टिव ट्रेड्स हैं इसमें दो तीन होंगे और नहीं है ये मैं दो तो अपनी शॉर्ट लिस्ट के लिए सिर्फ बनाता हूँ देखता हूँ भूल जाता हूँ फिर बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं कि इसके कारिज भाई के एक्टिव ट्रेड जैसा कुछ भी नहीं है गलती ना करना आपसे ना कुछ बाइट कर लो गलत तो फिर आप परेशान हो स्टार्ट करते हैं देखिए सबसे पहले वीकली से हम स्टार्ट करेंगे मैं आपको वीकली थीसिस बताऊंगा फिर मंथली बताऊंगा फिर वीकली डेली फिर आरली इस तरह प्रोसीड करते हैं हेड नेक्स्ट इसके ऊपर आपने फोकस करना है ठीक है ब्रिटिश के ऊपर मंथली टाइम फ्रेम अगर मैं खोलू ना मंथली टाइम फ्रेम इधर भी ये इसका रेंज आया था और ये प्रीवियस मंथ तो बुलिश क्लोज हुआ है ठीक है इसी तरह और इस कैंडल स्टिक का साइन ये था कि दोनों तरफ से काफी प्रेशर था बायर्स की तरफ से भी प्रे... प्रेशर था सेलर्स की तरफ से भी प्रेशर था सेलर्स ने जितनी देर लिक्विडिटी थी वो सारी आ, मतलब सबकी लिक्विडिटी लेकर स्टॉप्स लेकर कैंडल ऊपर बायर्स लेकर चले गए मोमेंटम मोमेंटम आया अब ये तो मंथली कैंडल तो बुलिश है जिस तरह ये क्लो, क्लोज हुआ है ना बायर्स काफी स्ट्रोंग थे और एक दो तीन चार पांच महीने की कंसोलिडेशन है फाइव मंथ्स की प्रीवियस एक दो तीन चार पांच पर ब्लास्ट इग, इधर अगर आप लेना एक दो तो, तीन चार पांच छः पे सेवियर ड्रॉप छः पे रिली चेंज तो बीटीसी में अगर आप देखें ना हम 2022 से मैं अगर लूँ सर्विस चीज को अब गौर करें इतना कंसोलिडेशन कभी इतनी किडर भी नहीं हुई है मतलब ये अगर आप देख लें इक्कीस से बात करते हैं एक दो महीने फिर रेंज प्राइस पंप फिर डंप, फिर एक दो तीन माह एक दो तीन चार पाँच माह कंसोलिडेशन प्राइस पंप फिर उसके बाद एक दो तीन चार पाँच इधर बहुत कंसोलिडेशन हुई थी पंप और इधर और ये बिल्कुल सिमिलर ही चीज है आपस में वेदर भी बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन है काफी अरसे से पांच महीने का डाटा है ये फाइव मंथ्स का तो फाइव महीने से प्राइस इकहत्तर हजार से लेकर आई ये फिफ्टी सेवन फिफ्टी थ्री तक बिक गया था इसके दरमियान रोटेट हो रही है कांस्टेंट तो एक ये दूसरा मैं आपको बताता हूँ रेंज से ऊपर प्राइस क्लोज हुई है ये भी ठीक है चलो रेंज से ऊपर क्लोज हुई है बात दिमाग यह बात भी तस्लीम करता न, रेंज है, रेंज की तो नहीं है माजी में भी इसी तरह ये रेंज लो था काफी मरतबा मैं समझा चुका हूँ मिड रेंज सारा तो ये है कि छह महीने की कॉन्सल्टन या मंथली बुलिश क्लोज हुआ है वीकली इसका ठीक क्लोज नहीं हुआ अगर मैं आपको बताऊँ ना वीकली बड़ा अजीब सा प्राइस एक्शन है आपसे भी कुछ लोग का ने कुछ ट्रेडर्स के ऊपर ये भाईजान मैं आपको अगर वीकली पे स्ट्रक्चर दिखाऊँ ना इसका वीकली पे स्ट्रक्चर आयर हाई हायर लो हायर हाई लो टूटा लोअर लो ये लोअर हाई फिर लो टूटा फिर ये लो दोबारा ये लोअर लो तो ये आपका लोअर लो लोअर लो हाई कांस्टेंट बना रहा है वीकली पे ये बात अपने दिमाग में आप डालें जब तक ये देखें ये लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, लो ये पूरा लोअर हाई ये लोअर हाई आपका जब तक ये प्रॉपर इसको तोड़ नहीं पाता ना हम कुछ नहीं कह सकते वीकली स्ट्रक्चर पे तो ये भी, भी लोअर हाई है, है प्रॉपर इसका वीकली पे लोअर लो लोअर हाई बना रहा है ठीक है मंथली हुआ है कुछ भी है लेकिन वीकली पे अगर आप जाए ना ये इसका लोअर हाई है मंथली पे अगर आप इस सिर्फ देखें स्ट्रक्चर को मैं मजीद इसको क्लासीफाई करता हूँ डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ डेली टाइम फ्रेम खोलता हूँ तो हम सबसे पहले अरेंजेस मार्क करते हैं अरेंजेस मार्क करते हैं ये हमारा हो गया हाई ठीक है ये हमारा हो गया हाई ये हमारा हो गया रेंज का लो दरमियान का हिस्सा हमारा हो गया मिड ऑफ द रेंज मिड ऑफ द रेंज हो गया और ये मिड ऑफ द रेंज हो गया मिड ऑफ द रेंज के साथ ये हमारे पास सप्लाई ठीक है ये प्रॉपर एक सप्लाई हमारी ये सप्लाई है ये इक्वल हाइज है जो कि अभी तक अनस्वेप्ट है ठीक है इक्वल हाइज है अब बहुत लोग इधर एक मिस्टेक कर रहे हैं मैं आपको देख रहा हूँ बीटीसी जब पंप हुआ ना बीटीसी जब इधर से आ, आ, पंप हुआ इधर से इस रीजन से और इधर इसने डीप पुल बैक नहीं दिया मेरे दिल में ये था कि यार ये किस तरह है इधर सीएमई गैप पड़ा हुआ है अनफुलफिल्ड है दूसरा सीएमई गैप इधर बना हुआ है तो ये पंप हो रहा है गैप नहीं फिल कर रहा ठीक है फिर मेरे दिल में ख्याल आया कर भी सकता है ऊपर इक्वल हाई इसको स्वीप करके दोबारा डिट्रेस करे लेकिन फॉर नाउ कंसोलिडेशन फेज में रेंज को ट्रेड करेंगे ज्यादा अपनी चपड़ी में नहीं पड़ेंगे एक्स वाई में जो सामने है वो है बाढ़ में गया ट्विटर बाढ़ में गए इंफ्लुजर में ट्रेड करूंगा चार्ट्स को जो है वो है दो कल अपने आप को नहीं दे सकता झूठ अपने आप से नहीं बोल सकता तो चार्ट्स की भी बात सुनते हैं मेरे दिल में ये था कि ठीक है आ, मैंने पब्लिकली टेलीग्राम पे हर जगह ये पोस्ट किया था हर जगह क्लियर ये मैंने पोस्ट किया था कि ठीक है ये हमें इसने स्ट्रक्चर ब्रेक किए मैं पुल बैक के का इंतजार करता हूँ सी गैप फिलो पर लॉन्ग ले लूँगा वो नहीं हुआ फिर ये लॉन्ग मैंने इधर लिए डिस्कॉर्ड में भी शेयर किए पब्लिकली भी शेयर किए ये तो मैंने ले गया फिर उसके बाद आपको मेरे दिल में ये ख्याल आया कि यार ये चीज़ पंप होती जा रही है नीचे मेरे पास इधर भी के गैप है इधर भी गैप है चक्कर क्या है गैप फुलफिल ना हो तो मैं कहता ठीक है अभी ये फुलफिल होता तो मैं कहता ठीक है ये पंप हो तो कोई मसला नहीं है इतना अब ये सारा पंप ठीक है लेकिन गैप्स अनफुलफिल्ड हैं दो जगह पे और ये जो बना रहा है ना हार्मोनिक्स स्पोर्ट्स अवर्तस्थ वर्क वर करते हैं फेजेस कंसोलिडेशन में मैंने रेंजस सारे मार्क कर दिए मैंने रेंजेस मार्क कर दिया अब लोग क्या कहते हैं मैं आपको बताता हूँ लोग एक गलती कर रहे हैं लोग इधर क्या करते हैं ये लोअर लो बना ये लोअर हाई बना ये लोअर लो बना ठीक है इसके बाद ये हाई बना ये इंटरनल स्ट्रक्चर मेरे तो आंख के ट्रेंड है मैं तो आपको छोटे टाइम फ्रेम भी, भी बता सकता हूँ ये इंटरनल स्ट्रक्चर ये हायर हाई बना और ये बना ये क्या बना ये आप मुझे बताओ ये लोड जब टूटा ये क्या बना ये बताओ मुझे ये क्या बना ये दूसरा लोअर लो बना भाई जान किस तरह हायर लो किस तरह लोअर लो बना लोअर लो बना ये लोअर लो दूसरा बना ठीक है ये लोअर लो जब बना इधर तो न, ये ऑटोमेटिकली सारा लोअर हाई ये टेरिटरी लोअर हाई की हो गई और बीच में ये ये क्या है ये क्या है ये क्या है ये जो टूटा ये, ये क्या है आपके दिमाग ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किस तरह है तुम सबसे पहले मुझे ये बताओ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक तब होता ये तब होता कि लोअर हाई इस तरह आता लो लो इस तरह मार्केट ब्रेकर तब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक तब होता ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक तो नहीं है किस तरह मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक तब होता ये लोअर लो है ठीक है विल फर्ज ये लोअर लो बन गया ठीक है ये लोअर लो ये चीज अगर इधर फॉर्म होती ना इस तरह मैं कहता ये अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है तो ये तो ऊपर फॉर्म हुई हुई है स्ट्रक्चर ब्रेक इस तरह ये मुझे आप बताओ तो ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किस तरह है ये चीज नीचे फॉर्म होती है ना इधर फॉर्म होती है मैं कहता यार अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है तो ये तो इसने इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक किया ठीक है स्ट्रक्चर ब्रेक इसको कंसिडर कर लेते हैं फिर इसको मजीद अगर न्यू बिगिनर्स पर ओ, कहते हैं कि यार हर इसको समझ नहीं आ रही मजीद क्लैरिफी क्लैरिफाई करे इसको तो क्या करें मजीद समझ नहीं आ रही ये नहीं ठीक है आ, बात करते हैं वीकली खोल दो तो, वीकली पे अब बताओ ये क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है सब चीजें छोड़ दो वीकली पे मैं स्ट्रक्चर की बात करते हैं वीकली पे क्या स्ट्रक्चर बन रहा है ये आपके दिमाग में बैठ रही ना कि अब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर लो, लो हाई बन रहा है डेली खोलता हूँ डेली इस चीज ने सबको कंफ्यूज किया हुआ है इस चीज ने ठीक है ये इस चीज़ ने और मुझे भी कंफ्यूज किया था मैं तो आपको बताता हूँ मैं पिछले एक महीने से बड़ा मशरूफ था काम में टाइम ही चार्ट को नहीं मिला था बहुत कम देख रहा था ट्रेड कर रहा था आपको दे रहा था लेकिन वो ले तरव फोकस के साथ नहीं एक हफ्ते दो हफ्ते पहले मुझे पता चला कि ठीक है ये अगर स्ट्रक्चर ब्रेक के ऊपर ठीक है फिर रेंज को ही ट्रेड करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक आप इसको कह लें एस बी स्ट्रक्चर ब्रेक कह लें ये आपका प्रॉपर सिर्फ स्ट्रक्चर ब्रेक है तो इसको हम कंसिडर नहीं कर सकते अगर बीटीसी इस तरह इकोज हाइज तोड़ता ना ऊपर कैंडल क्लोज होती है फिर पुल पैक देता फिर मैं डायरेक्ट लॉन्ग करता आ, बहुत अच्छी बात होती है लेकिन अब इधर इसने ये किया है Uh, इस चीज को आपने समझने की कोशिश करना माजी में हमारे पास बेरिश हार्मोनिक्स की दर बने माजी में हमारे पास बेरिश इस A, B, C, D, हार्मोनिक इस सप्लाई पे एक्स टू ए बी सी डी हारमोनिक ये लो आपका साइफर है मेरी तो आंकी भी और ये मैंने इधर आप आपको अल्फन कहता हूँ ट्विटर खोलो पूरा ट्विटर के रहा नया ऑल टाइम हाई नया ऑल टाइम हाई इट्स जस्ट द बिगिनिंग इट्स जस्ट द बिगिनिंग मैंने थीसिस शेयर किया यार ये लो सप्लाई एक्स टू ए बी सी डी ड्रॉप होना है इसने वही वो, वो ड्रॉप हो गया फिफ्टी परसेंट रिट्रेसमेंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री परसेंट रिट्रेसमेंट इसके टारगेट्स तो वही हुआ इसके साथ पीछे मतलब अभी ये कर रहा है बहरहाल बिल पर चीजें तो क्लियर इधर छोटा लॉन्ग इधर से मैं खुद शॉर्ट तो नहीं करता मैंने तीसरी शे, 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 शेयर कर दिया वही ड्रॉप हुआ उसी तरीके से अब मैं सबसे लास्ट रिजोर्ट के तौर पे यूज करता हूँ ठीक है मैं ले लेता हूँ ये स्ट्रक्चर ब्रेक है ठीक है इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करा देते हैं स्टर, ये स्ट्रक्चर ब्रेक है और ये हमारे पास है डिमांड है ये पूरा एरिया हमारे पास एक डिमांड है इसको मैंने राइट साइड पे ड्रैग कर दिया और ये हमारे पास छोटा सा इसको ले लेंगे ये एक बेरी शोल्डर ब्लॉक तो ब्रेक करे लेकिन इसको छोड़ दो लीव करते है इसको ये पूरा हायर टाइम फ्रेम का डिमांड है ये स्ट्रक्चर ब्रेक आपका हो गया मैं इसके साथ खोलता हूँ थोड़ा सा बिटकॉइन का फ्यूचर स्टार्ट बिटकॉइन का फ्यूचर चार्ट अगर मैं खोलूँ इधर से ये क्या खुदा कसम क्या कमाल की ट्रेड होती मैं शॉर्ट नहीं करता लेकिन अगर करता तो इसके ऊपर तीस चालीस पचास हजार डॉलर रिस्क लगाता है मुझे इतना कॉन्फिडेंट था कि कैप भी है सब कुछ है और ये पहले से मार्क भी है तो फोर आर की ट्रेड होती है इधर चलो बाहर कोई नहीं इधर गैप, गैप, गैप है तकरीबन साठ हजार से लेकर के गैप है, जो कि होगा तो मैं मार्क कर देता हूँ ये साठ हजार का एरिया मैंने मार्क कर दिया इसको कर देते हैं रे, ये गैप है, और फिफ्टी नाइन थाउजेंड का एक एरिया ले लेता हूँ

दूसरा टैप तीसरा टैप चौथा टैप ये भी टैप सप्लाई बहुत लोग इक्वल हाइज का इंतजार कर रहे थे साइफर हारमोनिक का चीज सिस्टम कर दी ये हमारे पास अम, है इधर सीएमई का गैप भी है और अगर ले लेते हैं ना इधर ले लेते हैं ठीक है ये इंटरनल स्ट्रक्चर था ये हायर हाई हायर लो ये हायर लो स्टिल है और रात को फिर क्लोज होता है, ये दोबारा इंटरनल स्ट्रक्चर इधर टूटा है लो इधर टूटा है Uh, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ये रीजन दोबारा से बन गया एक uh, बन गया ये रीजन और मैं मैं दिलचस्पी नहीं रखता अब इसको लॉन्ग करने में या तो मुझे सही प्रॉपर में मेरे इंटरेस्ट का स्पार्क होगा जब तक मैं कोई स्ट्रेंथ ना देखूं आज हम बात करते हैं थोड़ा सा आखिर में इतना मैंने तकरीर की है मैं भी जरा इंडिकेटर सिर्फ मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर लेता हूँ दो सौ ई की सपोर्ट है पचपन ई क्लोज किया एम ईएमए को तो ये मूव है काफी पचपन ई एम को फिर से इसने बेरिश फ्लिप किया है दो सो ई एम का सपोर्ट है तो इधर हम ये कर सकते हैं ना कि ठीक है इस रीजन में अगर प्राइस आए और जो करीब भी है आ भी सकती है माजी में ये पूरा ये हम ले डिमांड है ये देखो ये टेरिटरी प्रॉपर तो एक गैप फिल एक विक लगा है। जो करता है गैप फिल करता है ये प्रॉपर एक डिमांड है पूरा रीजन तो इधर आए गैप फुलफिल करे तो गैप के साथ करीब ही है और प्राइस कम करेगी ये तो ये भी ठीक नहीं है कि अपन फुलफिल्ड किस तरह हो सकता है अच्छा इधर अब बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर की ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो और फिर उसके बाद जो ये देखो लोअर लो, लो स्ट्रक्चर ब्रेक बेरिश आपका ये सब क्या कहते हैं ये आपका हुआ मैंने आज फिर ऊपर से तो ठीक है शॉर्ट की कॉल मैंने दी हुई थी शॉर्ट के थीसिस डाउन साइड कर दिया हुआ था मैंने इधर से टॉप से बिल्कुल टॉप से इधर ही तो मैंने कहा यार ठीक है ये छोटा सा मैं अगर लॉन्ग कर लूँ ना स्केल्प लॉन्ग इधर अगर मैं लॉन्ग करूं और इधर निकल जाऊं दोबारा ट्रेड से इधर और इधर शार्क भी बन रहा है बुलेट शार्क तो मैंने कहा ठीक है मैं लॉन्ग कर ले तो मैंने लॉन्ग का ट्रेड दिया डिस्काउंट में दिया मैंने कहा यार मैं इसके ऊपर मोमेंटम देखूंगा अगर मुझे मोमेंटम कमजोर लगे मैं डायरेक्ट नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल जाऊंगा वही हुआ मोमेंटम ख़राब लग रही वीकनेस थी पंप नहीं हो रहा था ट्रेड बंद कर दी घंटे बाद इसने मेरा स्टॉक खा दिया लहमद जीरो लॉस के साथ मैं इस ट्रेड से निकल गया अब आपने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। मैं तो निकल गया इधर ये ख़त्म हो गया ये कॉन्सेप्ट ये थी सी इसमारा गलत तो ट्रेड इससे क्या जरूर होता है ट्रेड मैनेजमेंट आपके ऊपर क्रूशल है जान मेरा पर ट्रेड लॉस बहुत ज्यादा होता है तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्यों मैं लॉस करूं ये पैसा मैं सद का क्यों नहीं करता ऐसे दिल में कहता हूँ ना कि चीज है मुझे चार्ट कह रही कितनी गलत है निकल जाओ फिर मैं दुआ कर, मैं होप नहीं कर सकता ये रूटलेस पर जो गलत है सो मैं बंद कर देता हूँ बंद कर दी निकल गया नया लो बना नया लो बना ये आपका हाई है ठीक है अगर पंप होते तो ये लोअर लो लोअर आए और इट विल गेट फिल्ड और लेटर ये फुलफिल हो जाएगा सुनर और लेटर रीजन और अगर फुलफिल होता है इंतजार करते हैं अगर फुलफिल होता है ये देखो बहुत प्रोलॉन्ग पांच महीने की कंसोलिडेशन है फुलफिल्ड होता है फिर देखेंगे अगर इधर स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है ना हमें इधर इस तरह इस तरह स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है इस तरह तो बहुत अच्छा होगा और यार तो होगा क्या, क्या लेकिन अगर इस तरह हो तो बहुत अच्छा होगा मैं चाहूंगा प्राइस आए ये फुलफिल करे पैनिक करके लोगों को ये ब्रेक कर दे ठीक है और एक तरह से स्ट्रक्चर ब्रेक करे तो मैं कहूंगा यार बस अब मदर ऑफ ऑल लॉन्ग कुछ चाह पूरा दो सब कुछ मैं इस पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट रहूंगा इस चीज़ पे लेकिन खैर बहरहाल अगर इधर भी आता है मुझे कॉन्फिडेंस स्ट्रेंथ नज़र आता है मैं अपडेट कर दूंगा अपडेट करने में क्या हर चीज में लेवल टू लेवल दोबारा से ब्रेक कर लूंगा रेंज रेंज मैं तो मसला तो नहीं है अब इसको मैं मंथली टाइम फ्रेम की तरफ लेकर जाता हूँ मंथली टाइम फ्रेम की तरफ अगर मैं लेकर जाऊँ ये वीक टू वीक अगर मैं लू ना विक टू विक किस तरह और ये भी लू विक टू विक ले लू तो ये किस्म से एक फ्लैग भी बना रहा है अगर आपको मैं बोलू ना एक आ, 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 बुल फ्लैग भी बना रहा है ये पूरा बुल फ्लैग है इधर से लेकर इधर तक लेकिन इट, अगर इसको हम देखें स्टिल विक्स माजी में आए तो विक्स लग सकते हैं इधर इधर एम ओपन फॉर इट कोई नहीं लेकिन ये प्रोलोंग कंसोलिडेशन है प्राइस एट द एंड बर्स्ट होगी बहुत से इधर से बुलिश मोमेंटम होगा लेकिन मैं ओपन हूँ इसके पॉसिबिलिटीज के लिए मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता ये मंथली के ऊपर थी चीज अब मैं ये रिमूव कर देता हूँ इस चीजों को रिमूव कर देता हूँ मैं वीकली खोल दू वीकली खोल दू तो ये देखो लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई मदर ऑफ ऑल शॉर्ट ये और अगर इसी तरह वीकली कैंडल क्लोज होता है भैया ये आपका हो गया पूरा का पूरा बेरे शॉर्ट ब्लॉक दोबारा से तो ये ये भी अच्छी बात नहीं है तो थोड़ा सा इस रेंज में मैं भी क्या कह कहते हैं चीज़ों को आराम से देख रहा हूँ और परफेक्ट ट्रेड थी ये ये वाली ट्रेड परफेक्ट साइफर बनना था इसके ऊपर अब मुझे आपको मैं बताऊं ये आपका साइफर था प्रॉपर परफेक्ट साइफर बिल्कुल जिसको अगर परफेक्ट साइफर कहते हैं ये होगा अब और इसका टारगेट वन हेट हुआ टारगेट टू अभी हेट हो जाएगा मेरा मैं पोस्ट कर दूंगा स्मैश्ड खत्म थ्रेड एक्सपायर्ड ये टारगेट टू है अब हारमोनिक्स और अगर मार्केट स्ट्रक्चर की बात की जाए ना इन इन टर्म्स ऑफ इन व्हाट शुड यू डू इन फेजेस ऑफ कंसोलिडेशन तो ये मेरे सेशन से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा इंसान की जबान में उस तरह चीज़ होती है वो निकल ही आता है अब लोग इससे मुफीद होंगे तो हारमोनिक्स जो हैं हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क करते हैं कंसोलिडेशन में बहुत ज़्यादा बेहतरीन काम करते हैं इसके ऊपर दो बेरिश हार्मोनिक्स बने एक ये एक ये ठीक है ये ये बेरे शार्क भी था बेल्ट भी था एक ये और एक ये दोनों और बहुत अच्छे बने दोनों हार्मोनिक्स इसके ऊपर परफेक्टली तो इसको कर देते हैं मैं रिमूव कर देता हूँ अब मेरे थीसिस सारा मैंने आपको मंथली समझाया वीकली समझा जिस तरह बच्चे को बच्चा पैदा नहीं है तो उसको बहुत प्यार से बाप पालता है तो इस तरह मैंने आपको भी ये इसके थीसिस बहुत प्यार से समझाया कि आपको सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो अब जाते हैं थोड़ा सा और लाड करते हैं चार्ट के साथ इस तरह थोड़ा सा लाड और करते हैं बच्चे के साथ मैं खोलता हूँ यूएसडी डोमिनेंस चार्ट अब मैं यूएसडीटी डोमिनेंस चार्ट खोलूँ चार्ट तो मैंने बी की जब थीसी शेयर किया था ना आपसे वो इस बेस पे किया था मैंने इस बेस पे किया था चार्ट भी शेयर किया था आपके साथ। ये है अगर ये नहीं होता ये इधर था मैंने कहा यार ये तो इसको पंप होगा जहर सी बात है डोमिनेंस पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है हायर हाई हायर लो इंटरनल स्ट्रक्चर भी ब्रेक हो गया तो बाय मतलब डोमिनस तो चीख रही कि बाय डी तो बी टी सी वाइस वर्सल डंप होगा बी ने हायर हाई high बनाया बी हायर लो है दोबारा तो डोमिनेंस यूज के डोमिनेंस बोले शेफ फॉर नो अगर हम बात करें ना फर्स्ट ट्रबल एरिया जिसको एफ कहते हैं वो किधर है फर्स्ट ट्रबल एरिया डोमिनेंस का वो होगा ये रीजन और ये रीजन आपका होगा फर्स्ट ट्रबल एरिया मैं चेक करूंगा रिएक्शन डोमिनेंस का इधर और इस उस टाइम तक बी ने शायद कैप भी अपना फुलफिल किया और जब ये डोमिनेंस uh, ये चीज़ फुलफिल करेगी और अगर मैं इस तरह इसको लू इस वीक से इस तरह तक तो लू तो ये इस वीक से भी लेता हूँ इस वीक से, से लेता हूं, से, तो ये बन गया बिल्कुल टेस्ट कर रहा है ये बन गया एक्स टू एक्स टू ए बी सी डी इधर आ रहा है ठीक है इस वीक की बात कर रहा हूँ टॉप से जो मैंने वीक ली है इधर से और मैं अगर ये ये रिमूव कर देता हूँ ये भी तो ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ और अगर इस वीक की बात करूँ ना इस वीक की तो ये इधर आ रहा है ये डोमिनेंस नहीं है, ये इस टेरिटरी में आ रहा है तो ठीक है मैं अपनी पोटेंशियल रिवर्सल मार्क एक, एक ही एक ये ही रीजन ये रिवर्सल जोन में मार्क कर दूंगा इनकेस अगर फ्यूचर में प्राइस पॉइंट्स आते हैं तो मेरे लिए चीजें काफी आसान और डोमिनेंस ये प्राइस पॉइंट्स होंगे रिवर्सल के तो आपसे अर्ज करना था कि आप ये, ये डोमिनेंस का, का चार्ट था ये था बीटीसी का चार्ट बीटीसी में ना सारा चीज समझाया हुआ प्रॉपर तो मैं मुझे देर नहीं है ट्रेड में अंदर बार घुसने की मैं कहूंगा देर है दुरुस्त है सही चीज हाथ लगे तब और ये कंसोलिडेशन फेज मार्केट का इस तरह होता है कि ये ट्रेडर्स को चॉप करता है चॉप से मेरा मुराद आ, ये पोर्टफोलियो खा जाता है बंदा पैनिक सेलिंग स्टॉक लॉस लिक्विडेशन इसके बहुत ज्यादा होते हैं टेंट मार्केट छोड़ देता है ये बहुत बोरिंग पीरियड है पांच महीनों से मार्केट का तो अगर हम ले लें अच्छा इधर बंदा क्या होता है मैं आपको स्पॉर्ट ट्रेडर्स की कैफियत भी बताता हूँ बंदा कहते हैं मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ ठीक है वो एक कोइन एक्स वाई कॉइन उठाता है

क्लीन समझ आ गई आरिश भाई बिल्कुल दिल की बात करें सब सिर्फ जो मैंने अभी तक आपको बताया क्रिस्टल क्लियर क्रिस्टल क्लियर ठीक है परफेक्ट है शी शी बेहतर है ठीक है आल्सो ठीक है अब ठीक है ये बीटीसी के ऊपर मेरा थीसिस था अब हम रेंज को ट्रेड करेंगे आगे मजीद करते हैं अब रेंज को हम ट्रेड करेंगे रेंज से मेरा मुराद इस मैं नहीं पढ़ूंगा भाई जान हंड्रेड के टू हंड्रेड के बिटकॉइन में ठीक है मैंने आपको बताया मंथली पे बुलिश है मंथली पे बुलिश है लेकिन वीकली पे बेरिश है मंथली पे बुलिश है मंथली की विक तिरपन हजार तक गई है इस बार भी विक पचास तक जा सकती है पैंतालीस तक भी जा सकती है मंथली की वीक फिशिंग की बात कर रहा हूँ शेक आउट के लिए लेकिन ये चीज़ है ठीक और और है थीसिस लॉन्गेविटी में शॉर्ट टर्म चीज इस तरह है जो मैंने आपके सामने पेश किया अब गैप का इंतजार करेंगे फुलफिल्ड होने के लिए तो मल्टीपल चीजों का और इंतजार करेंगे मैं आपके साथ ये शेयर कर देता हूँ होल्ड करें ये आप अगर इसके ऊपर फोकस करें ना ये, तो ये मेरा ये मैं डिस्कॉर्ड आपके साथ शेयर कर देता हूँ डिस्कॉर्ड बी की तरफ जाते हैं बी सबसे पहले आपके सब, हमने इधर एक लॉन्ग ले लिया ठीक है इधर मैं बात करता हूँ अब इधर और से अपडेट्स को देखो एक लॉन्ग हमने बिल्कुल जो मैंने आपको बताया इधर ले लिया टू टू आर की ट्रेड थी मैं निकल गया ट्रेड से इंतज़ार कर रहा था एक टारगेट हेट और दूसरा टारगेट हेट खत्म ट्रेड क्लोज उसके बाद मैंने ट्वेंटी नाइन जुलाई को आपको फोन किया यार मैं मुझे डर है बिटकॉइन इधर से क्रैश होगा ये इसके टारगेट्स हैं तीनों उसके बाद मैंने बस पूरा प्रॉपर दे दिया हर चीज के साथ कि यार ये हो उसके ये होगा और बता दिया इधर है ये हो सकता उधर से रिजेक्ट हुआ अच्छा हाँ आज मैंने लोअर टाइम फ्रेम कहा ठीक है लोअर हाई तक फुल बैल पर मिले मैं निकल जाऊंगा वीकनेस स्ट्रीट रेड के अंदर मैंने आपको इधर बताया अभी तक यार अगर मॉनिटर कर रहा हूँ वीकनेस से बंद कर दूंगा क्लोजिंग बिटकॉइन मैंने बिटकॉइन क्लोज कर दिया मोमेंटम लाइक नहीं हो रहा तो नो प्रॉफिट नो लॉस फैक्टम पुश्ड इट देर बाद आपको ये बताया देखो स्टॉप लॉस खा गया सो करे ट्रेड ब्रेक एंड बंद कर दो तो BTC तो अभी भी सेम अलाइन uh, है उसी तरह uh, जो सीसी से उसी तरह है, आर्ली की अगर बात करें वही कुछ बन रहा लोअर इधर हमारे पास तो नो मेन्स लैंड में, में ही नहीं करना फॉर्म हो इस चीज को मैं ट्रेड करूंगा अगर आप थोड़े में भी से भी हो ना अपने आर्ट्स होल्ड किया हुआ है तो ये खैर है बी टी सी की वजह से बीटीसी गड़बड़ कर रहा है तो ये एक दफा बीटीसी चेंज आ, हो जाए तो इंशाल्लाह फिर ठीक हो जाएगा थॉट्स एचडीटी डोमिनेंस भी मैंने आपको समझा दे दिए ठीक है कुछ नो अपडेट्स ऑन पोजिशनल ट्रेड्स ऑल आइज ऑन एक्टिव ट्रेड्स बिट राइट नाउ ये ठीक हो जाए पूरे मार्केट सेट हो तो जाएगी मैंने आपको कुछ नो कमेंट्स ऑन एनीथिंग क्योंकि मैंने आपको uh, पूरा दिमाग का एम आर आई दे दिया दिमाग डेड होता है तो बच्चे सिंपल क्या सिंपल क्या डॉग अच्छा है हॉट ट्रेंडिंग मी में एनपीसी भी हॉट ट्रेंडिंग मी में पूरी मार्केट रिट्रेस कर रही है होपफुली दैट रिकवर रिक, वेरी गुड ठीक है तो ये चीज है इथेरियम लोग कहते हैं आरिफ भाई आपकी क्या दुश्मनी है आप इसको एनालाइज नहीं करते मैं देख लूंगा इथेरियम के ऊपर क्या इस तरह बन रहा है एथेरियम एथेरियम में ब्लीड कर रहा है इधर तक आराम से आ सकता है एथेरियम को मेरी एरिया ऑफ इंटरेस्ट में आ रहा है लेकिन ये देखो ये एक गंदी ब्लीडिंग है मैं एथेरियम को लॉन्ग तब करूंगा जब बीटीसी मुझे सिग्नल देगा बाय का और एथेरियम अभी के लिए अगर मैं आपको बताऊं ना बीटीसी अगर थोड़ा सा गैप फुलफिल करते हैं झट कर लेते हैं थोड़ा सा नीचे ये लो एक्स टू ए बी ये आराम से आ सकता है 2900

मैं इधर स्टकूँ उधर स्टकूँ ये मैंने आपके लिए मॉडरेटर्स अपने रखे हुए हैं आप उनका दिमाग खराब करें दिन के टाइम के यार मैं इधर आपको उइड करेंगे मैं आपको शेरबर्ट कॉइन के ऊपर मैं मेजर चीज में ऑपरेशन संभालूंगा आपके लिए और ग्रुप्स में होता है या नहीं मुझे ही है लेकिन मैं आपको ये बत, ए, सर्विस दे रहा हूँ कि आप वॉट्स आपको गाइड करें आपकी लूजिंग ट्रेड्स पे वो आप उनसे पूछें वो आपको देंगे लेकिन ये चीज़ है ना खैर नहीं कर नॉट सो बिकॉज़ ऑफ़ यू ठीक है सीएमई के बोर्ड विकल्प के डेली वीडियो पाइंट करते हैं और सीएमई का अपना चार्ट खोल दे कोर्स तो ले के ग्रुप में फ्री पड़ा हुआ है बट कोर्स आपसे मिलता है ठीक है आरिश भाई आप जो वीकनेस कैसे करते हैं जैसे आपने आज वाली ट्रेड यार बस प्रैक्टिस इतना हो के कभी पता चल जाता है वीकनेस की तरह मार्केट में <laughs> ये इस चीज के हो जाता है अभी इस चीज का हो जाता है हाँ है नेगेटिव है शाइप पे लेके

Yeah, कहावत उसकी खत्म हो जाए ना तो फिर मेहंदी को दीवार पे लगाओ फायदा नहीं है तो अभी आप किस तरह करोगे को वो ऑलरेडी टारगेट कर दिया <laughs> जी क्या चीज राइट ना नहीं, नहीं, नहीं हाँ सर कोई तो सीक्रेट एडवाइस इस इस चीज का सीक्रेट बैठो आई इस चीज के बाद क्या है अगस्त डिस्काउंट आपको किस चीज पर डिस्काउंट चाहिए ट्रेडिंग के मंत्र एक सौ वन कोई सीक्रेट नहीं है बस सिंपलिसिटी ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम है टू इजी मनी इंडिया लोग जिस तरह इसको पोर्ट्रेट करते हैं उस तरह नहीं है वेरी डेली एक्टिविटीज क्या है काम काम एक्सरसाइज काम 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 बस ये सर जी जी, जी फरमाएं फरमाए आपकी क्या रिक्वेस्ट है सर जी आपके कोई कोई क्वेश्चन आंसर से मिल लूंगा आप बताएं तो प्रोडक्टिव क्वेश्चंस पूछें जिसमें सब लोगों को वोफित हो ऐसे लव यू टू वल्लात ताला आपको खुश रखें राजीव अरफान और मेंबर सब के समेत अंजुम मामी आरिश भाई कोई एडवाइस मेरी शादी करीब है फैसल आप खाना अच्छा खाना स्टार्ट कर दें अगर शादी करीब है तो ये एडवाइस आपको दे सकता हूं अच्छा खाना है <laughs> और ये कि जिंदगी भर कभी भी शादी ना करना जब तक आपके फाइनेंशियल से ही तरीके हल ना हुआ वो सब बकवास करते हैं लोग ये इस तरह उस तरह भाई किसी की बेटी ला रहे उसको अजिद क्यों देनी जब तक आप उसके एक्सपेंस उठा सकते हो पर शादी करना वरना ना करना लड़की की जिंदगी भी तबाह कर लोगे अपनी भी। जब तक लड़की के एक्सपेंस ना उठा सको बस इतना हो कि बस अजकलो थोड़ा बहुत गुजारा होता है अब ये भी नहीं कि बिल्कुल तुम तो कमरे में बंद पड़े हो बस के जो शादी हो जाएगी सब कुछ हो जाएगा उसके दरमियाना जिंदगी आपकी नहीं नहीं मेरी शादी नहीं हुई ट्रेडिंग बहुत ईजी है हंड्रेड परसेंट लोगों को ग्रीड है तबाह कर दिया है ट्रेडिंग बहुत मुश्किल है भाई साइकोलॉजी तो इसके ऊपर कायम रहना ये मुश्किल है बहुत मुश्किल है ट्रेडिंग कोई भी कहते हैं आसान बकवास बहुत मुश्किल काम है। मेंटल आर्मर बिल्ड करना पड़ता है साइकोलॉजी डेवलप करने में टाइम लगता है इनशा इनशा कर लेंगे ठीक <laughs> है ठीक है सर आई नो रिगार्डिंग पर बहुत लोग वर्क ऑफ थ्योरी भी अप्लाई कर रहे हैं और नीचे डिवी को कंसीडर कर रहे हैं कि यार ये एक शेक आउट द तो प्राइस वो करेगी टुवर्ड्स तो अपसाइड लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा है क्या करें जस्टेड मार्केट स्ट्रक्चर सर एक्सो चार्ट्स एक्सो चार्ट्स पे आपने इतने एक्सो चार्ट्स लिक्विडेशन चीज क्या करना इतने चीज़ों का सिंपल रखो चीज़ों को बहुत आई सिक्योर योर एसेट्स अगेंस्ट पोटेंशियल हैकर्स यार सारे एसेट्स एक्सचेंजेस पे पड़े हुए हैं अगर दिल की बात कहूँ तो मल्टीपल एक्सचेंजेस पे और एक काम ये कि पासवर्ड भूल जाता हूं बस एक्सचेंज का पासवर्ड मैं भूल जाता हूं फिर जाता हूँ उसको रीसेट करता हूँ हमेशा ये याद भी नहीं रहता लकी कसम पासवर्ड भूल जाता हूँ फिर जाता हूँ रीसेट मारता हूँ फिर वो चौबीस घंटे विड्रॉल सस्पेंड कर देते हैं अड़तालीस घंटे चौबीस घंटे ये मेरे साथ बहुत होता रहता है लेकिन ये है कि शुक्र है ईमेल का पासवर्ड आता है और चीजें खैर हमारी उठ ठीक है भाई बिग पीपल जी मैं 2015 से 2015 से मुझे एलम था चीज़ों का और 16 तक भी लर्न करा जब सतारा में आ गया सही सर अपने वॉल्यूम ट्रेडिंग का लिंक्स देना था वॉल्यूम सर जी हर सीजन पढ़ा दें तो बीटीसी के थॉट्स आपके क्लियर हैं ये मुझे बता दें कि सब सब बंदे एक लाइन पे हो एक सीक्वेंस पे हो बस ये बेतरीन बात है तो ये इशारे नेक्स्ट स्ट्रीम सिर्फ आल्स के ऊपर करेंगे और तो ये मैंने सिर्फ की किया ब्रिटिशी ठीक है अगर थोड़ा देखो बोरिंग पीरियड भी होते हैं इसको अब शेले क्या क्या कर सकते हैं अभी अदर देन लूजिंग मनी ठीक है सिर्फ क्लियर आह बस चार्ट यस नो डाउट फिनोर

और किसी का ठीक है गूगल फॉर्म्स में मुझे मैंने और सारे रिव्यूज देखे थे ये नहीं लेकिन मैं देखूंगा देखूँगा इन शोल अल्लाह ताली आपको बहुत कामयाबी थे आज को लाना फ्रॉम में बहुत समय किसी का कोई कम्प्लेंट गेला से को मेरे मुंह पे आकर गए किसी का कुछ हो तो बता सकते हैं अभी मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूँ किसी अगर कोई मसला हो तो मॉडरेटर्स ने से सेटिस्फाइड है सब मोड्स अच्छा डील कर रहे हैं तो कोई मसला होता है मैं अमूमा ट्रेडर्स चैट इतना नहीं देखता और आपकी एक्टिविटी देखता हूँ बस मैं तो आपको मेजर पर सिर्फ अच्छा गाइड कर सकता हूँ चीज़ों पर टीम मैंने रखी हुई है और कोई खैर अगर कोई आपसे कोई कंप्लेन के लक्ष्य को अभी होता है ना तो मुझे टैग कर लिए करे टैग पे मैसेज आपका रिस्पोर्ट करूंगा वो मुझे नोटिफिकेशन आ जाती है बाकी मोड्स अच्छा काम कर रहे हैं मेरे मैंने बकौल और खैर अगर आपको फिर भी के लिए तो आप जा सकते हैं कोई मसला नहीं वो हल कर लेंगे चलो बहुत ज़्यादा थोड़े मैनेज करते हैं उसके कर, सर स्पोर्ट में सेक्शंस बहुत ज़्यादा मैनेज थोड़े मैनेज करें टू मच डे ठीक है जी इसके ऊपर वर्क कर लेंगे सर नोटिफिकेशन मिल गया रेड ट्रेन

उसको जाके <coughs> किधर है ग्यारह बजे तो नहीं पप्पू हुआ ग्यारह बजे से तो बेचारा गिर रहा है नीचे चार से गुरु सेट ही वाज टंग अबाउट फिफ्टीन मिनट वो बस हम आप आ, हम लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए बात कर रहा होगा बंदा जो कहता है उसका हाँ कुछ भी नहीं ग्यारह बजे को क्या पंप हुआ है बेचारा डम लोर 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 हाइज लो बना रहा है हारिश भाई चिकन विस्ट मार्केट में जैसे एनिवर्सरी आपको क्या चाहिए आपको क्या चाहिए मुझे ये बताओ मैं आपको बगैर डिस्काउंट पे फराम कर दूंगा मुझे ये बताओ स्कॉट पैड तो कर लो उसका पिलो के और ये टॉक में से ले टू नहीं टूटे बट नाउ ओनली फ्रेंड्स सिट से नहीं मशीन और इसको क्या चाहिए इसको मैं देता हूँ पाराम करता हूँ प्रिस्क्रिप्शन और ये तो मत मांग रहा इसको क्या चाहिए ठीक है मत आप एक दूसरे मुझे प्राइवेट कर ना, ना आप मुझे अपना मैसेज डीएम कर दो ठीक है अपना बहुत ख्याल रखें मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म कर दूंगा वाला तो